नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनू सुनीता। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड में कोविड में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी और अशासकीय स्कूलों में 1 से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 21 साल तक के प्रभावित बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। शासन की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा की है। अब शुक्रवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए अधिकारियों को क्रय प्रक्रिया में तेजी से लाने के लिए निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में 1 लाख छात्र छात्राओं को दीपावली से पहले मिलेंगे टैबलेट। नैनीताल हाईकोर्ट ने फरवरी 2021 में हुई दरोगा पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। दरअसल फरवरी 2021 में कांस्टेबल में एसआई कमांडर पद पर पदोन्नति के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कराई थी, लेकिन आयोग ने 2 बार इसके आंसर की जारी की। पहले आंसर की में दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दिया था, लेकिन दूसरी आंसर की में उसके एक सवाल को गलत बताया गया था। जब उसने आरटीआई के तहत पुलिस भर्ती केंद्र नरेंद्र नगर और अन्य से जानकारी मांगी तो उसका जवाब सही था। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 36 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 9 मरीज ठीक हुए हैं। अल्मोड़ा, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं चमोली में 15, देहरादून में 14, बागेश्वर में 1 और पौड़ी में 6 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, लेकिन ये रिकॉर्ड क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से जुड़ा हुआ है। कोहली 150 मिलियन से अधिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले एशिया महाद्वीप के पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं। इसके साथ ही वो विश्व के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। वहीं विराट विश्व के चौथे ऐसे एथलीट हैं जिनके 150 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण शुक्रवार को उछलकर रिकॉर्ड 15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एमकैप का ये स्तर हासिल करने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई है। साथ ही कंपनी का शेयर भी 4.12% चढ़कर 2388.25 रुपए प्रति इक्विटी पर पहुंच गया है। केरल में 6 सितंबर से 11वीं की परीक्षा कराने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के कारण राज्य में हालात चिंताजनक है। देश में कुल मामलों के लगभग 70% केरल में है, इसलिए बच्चों को खतरे में नहीं डाला जा सकता। यूपी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले 2000 कर्मचारियों के लिए मुआवजे के रूप में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जारी किया है। सरकार ने कहा है कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल मई के बीच राज्य में पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर वारिस पवार ने कई महीनों के शोध के बाद ये मेम्ब्रेन यानी एक तरह की सूखी झिल्ली तैयार करने में कामयाबी हासिल की है, जो 6 से 8 महीने उपयोग के बाद खुद ही खुलकर खत्म हो जाती है। इस तरह डॉक्टर वारिस ने दुनिया को एक ऐसा उपहार दिया है जो पॉलिथीन आदि से होने वाले प्रदूषण से भी बचाएगा और सस्ता भी होगा। फिल्टर, सेंसर आदि में काम आने वाली इस बहुत सस्ती मेम्ब्रेन का पेटेंट भी हो गया है। भारतीय किसान यूनियन ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में महापंचायत का आयोजन किया है। इस महापंचायत में कई राज्यों से किसानों के पहुंचने के दावे किए जा रहे हैं, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का भारी इंतजाम भी कर लिया है। तो फिलहाल देश और प्रदेश से जुड़े इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज। नमस्कार।